Hello children, how are you all of you? I hope all of you are fine and safe at home. Okay children, butterfly and today we will learn about unit 3, our solar system. Okay, activity 5. So, hum log, in previous video we have seen activity 4. Kya se book mein aap log dekh rahe ho ki बुक में यहाँ पे एक्टिविटी 4 हमने लिखी थी इन प्रीवियस वीडियो में, बट मेरी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिखा है कि आप इसी हियर दिस इज अवर सोलर सिस्टम एंड द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन. तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखना है सन, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ऐसी लाइन ड्रॉ की. तो आपको यहाँ पे लिखना है सन, उसके बाद सन के बाजू में जो आपको ऑर्बिट दिख रहा है क्लोजेस्ट टू द सन, तो वो आएगा मर्क्यूरी. फिर उसके बाद है सेकेंड ऑर्बिट है, उसमें आएगा वीनस. यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं, सेकेंड ऑर्बिट जो है वहां पे आएगा वीनस. उसके बाद है थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर का ऑर्बिट है उसमें आएगा अर्थ. यहाँ पे लिखा है थ्री अर्थ. उसके बाद है फोर्थ ऑर्बिट, यहाँ पे काउंट करेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4. तो फोर नंबर का जो ऑर्बिट है वो है मार्स. फिर उसके बाद है फाइव नंबर, 1, 2, 3, 4, 5. तो फाइव नंबर में आएगा जुपिटर, यहाँ पे जुपिटर मैंने लिखा है. उसके बाद सिक्स नंबर है, तो सिक्स नंबर ये ऑर्बिट हम लोग काउंट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 नंबर भी यहाँ पे मैंने लिखा है सैटर्न. उसके बाद 7 नंबर, तो 7 नंबर में है यूरेनस. उसके बाद 8 नंबर में लास्ट 8 नंबर है नेपच्यून. ये वाला जो 6, 7, 8 है वो है आउटर, 5, 6, 7, 8 वो 4 आउटर है, आउटर प्लेनेट है. और जो नियर क्लोजेस्ट टू द सन है 1, 2, 3, 4 वो प्लैनेट्स है, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं और उसको, और उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं. जो आउटर प्लैनेट है उसको जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं. अभी हम लोग डिटेल में सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे. ओके चिल्ड्रन, सी हियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोलर सिस्टम. Sun together and 8 planets are revolving around the sun. It's called solar system. जो sun होता है यहाँ पे, see here, this is the sun and these are our planets. So यहाँ पे जो sun है वो बीच में होता है और जो हमारे planets है वो उसके आजू बाजू में सर्कल में होते हैं. सो उसको बोलते हैं कि वो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी कि वो सन के आजू बाजू में परिक्रमण करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलार सिस्टम. यहाँ पे है जो टोटल 8 प्लैनेट्स है, तो उसमें से जो 4 प्लैनेट्स है उसको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, यानी कि वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स. ये जो 4 प्लैनेट्स है उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, और दूसरे जो 4 प्लैनेट्स है उसको जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं. तो 2 पार्ट्स में 4 प्लैनेट्स को डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, वो इनर प्लैनेट है. जैसे हमने पहले देखा था कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो सर्कल जैसा है, ये सारे ऑर्बिट है, तो ये 1, 2, 3, 4 नंबर दिए है वो इनर प्लैनेट है, और 5, 6, 7, 8 यानी कि ये आउटर प्लैनेट है. ये आउटर प्लैनेट को जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, और जो इनर प्लैनेट है जो सन के क्लोजेस्ट है तो उन सबको बोलते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है प्लैनेट्स को, और उसमें भी जो जोवियन प्लैनेट्स है उसमें है 2 प्लैनेट्स,
सबसे पहले तो जोवियन प्लैनेट्स है फोर, उसमें फर्स्ट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये फोर प्लैनेट्स में से दो जो प्लैनेट्स है जुपिटर और सैटर्न, तो जुपिटर और सैटर्न दोनों गैस जायंट बोला जाता है उनको, गैस जायंट्स। और जो यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट है उनको आइस जायंट्स बोला जाता है। तो ये दोनों को गैस जायंट्स बोलते हैं और ये दोनों को आइस जायंट्स बोलते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो सॉलिड, उसका सरफेस सॉलिड होता है, और जो जोवियन प्लैनेट्स है उसका सरफेस सॉलिड होता नहीं है। दूसरी बात है कि दे हैव वेरी फ्यू और नो मून्स, और ये जो फोर प्लैनेट्स है इनके मल्टीपल मून होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है यानी कि सन से एकदम क्लोजेस्ट है, नहीं और है, तो वो है मर्क्यूरी। और सबसे बिगर प्लैनेट है तो वो है जुपिटर। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। और सबसे बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर। ओके, तो आपको दूसरी एक बात बताती हूँ मैं कि यहाँ पे जो वीनस है तो वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, वहाँ का वीनस प्लैनेट है, वहाँ का टेम्परेचर एकदम हाई है तो उसको हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। और मर्क्यूरी है उसको हमने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट और क्लोजेस्ट टू द सन यानी कि सन से एकदम नज़दीक है। तो अभी बच्चों आपको भी ये जो सब डिटेल है वो याद रखनी है, इसीलिए आप भी अपनी नोटबुक में एक सोलर सिस्टम ड्रॉ करोगे और उसके बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। और ये जो आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं वो उसको ऑर्बिट बोलते हैं। और जो सन जो है सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे में है। और अगर कुछ ब्लास्ट होता है तो कैसे हम लोगों को धुआं जैसा दिखता है, क्लाउड जैसा, तो वैसा मिल्की वे जैसा है, उसमें हमारी सोलार सिस्टम आई हुई है। और वो द सोलार सिस्टम केम इनटू बिगिन अबाउट बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 19 पार्ट टू, उसमें है एक्टिविटी 5 करेंगे पार्ट टू में। इन प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी 1-4 की है और नाउ वी हैव टू डू एक्टिविटी 5। ए, नाउ लेट्स रीड अनदर पोएम ऑन द प्लैनेट्स ऑफ द सोलार सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे दूसरी एक हमको पोयम दी है हमारे प्लैनेट्स है उसके बारे में, तो यहाँ पे टाइटल है प्लैनेट्स। फर्स्ट लाइन, आई नो द प्लैनेट्स वन बाय वन स्टार्टिंग विद द वन दैट्स क्लोजेस्ट टू द सन। तो हम लोग प्लैनेट्स के नेम वन बाय वन बोलेंगे जो स्टार्टिंग विद द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, जो सन के नज़दीक है वो प्लैनेट्स के नेम बोलेंगे। तो उसमें है सबसे फर्स्ट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद है आर द फर्स्ट फोर अमोंग द स्टार्स। तो वो इतने क्लोजेस्ट टू द सन है कि वो छोटे एकदम स्टार जैसे लग रहे हैं, वो स्टार जैसे दिखते हैं। उसके बाद है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द नेक्स्ट प्लैनेट्स इन ट्यून। उसके बाद जो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स है, तो उसके बाद आते हैं जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसके बाद है नेपच्यून इज द फार्दरेस्ट
वन फ्रॉम द सन, यानी कि वो सबसे दूर का प्लेनेट है, सबसे दूर है सन से, जो बहुत डिस्टेंस है नेपच्यून का. और उसके आगे लिखा है आई नो द प्लेनेट्स वन बाय वन. तो ये है क्लेजी शेरमन ने लिखी है पोयम. तो ऐसी पोयम्स आपको घर पे वन टू थ्री टाइम्स आपको जब भी आप फ्री हो तभी आपको रीड करनी है, तो आपको ये प्लैनेट्स के नेम याद हो जाए, आपको बार बार आपको ये पोयम रीड करनी है. तो आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे है फैक्ट्स अबाउट द अर्थ. तो यहाँ पे अर्थ के बारे में हमको कुछ फैक्ट दिए गए हैं, ये अर्थ की पिक्चर दी है हमको. और यहाँ पे है अर्थ इज अ स्मॉल रॉकी प्लैनेट विच सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लाइफ. अर्थ जो है वहाँ पे सारे, हम लोग भी अर्थ पे रहते हैं, तो सारे एनिमल्स बर्ड्स जो भी है वो सारे लाइफ यहाँ पे लाइफ है अर्थ पे. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी है कि जैसे बर्ड्स है, एनिमल्स है, मैन है, तो सब लोग यहाँ पे अर्थ पे जिंदा रह सकते हैं. बाकी सारे प्लैनेट्स हमने देखे कि कोई कोई प्लैनेट्स का टेम्परेचर हाई है, तो वहाँ पे कोई जिंदा रह सकता नहीं है. कोई कोई प्लैनेट्स पे बहुत कूलनेस है, जैसे कि बहुत आइस प्लैनेट है, तो वहाँ पे कोई, वहाँ पे भी कोई जिंदा नहीं रह सकता है. तो यहाँ पे उसके बारे में, अर्थ के बारे में आगे बताया कि अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. सन से फर्स्ट नंबर का हमने देखा कि मर्क्यूरी है, फिर सेकंड नंबर में वीनस है, और जो थर्ड नंबर में है अर्थ है. तो थर्ड नंबर का प्लेनेट है, और इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द एट प्लेनेट्स. तो जो हमारे टोटल एट प्लेनेट्स है उसमें फाइव नंबर का लार्जेस्ट प्लेनेट है अर्थ. Now see in the activity 6, read the following story. ये स्टोरी हम लोग रीड करेंगे and I will explain the story. The ant and the dog. Ant और dog की स्टोरी है. On his way home, वो ant जो होती है वो घर पे जा रही होती है. An ant saw a sparkling fountain. वो एक चमकता हुआ फाउंटेन देखती है. He crawled onto its wall to take a closer look. Suddenly, he slipped and fell into the water. तो ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रही है कि ये एंट है और ये एक फाउंटेन है, तो एंट जो है वो फाउंटेन की वॉल पे जाने का ट्राई करती है, पर वो गिर जाती है, स्लिप हो जाती है. ही गार्गल एंड पैनिक एंड वेव्ड हिज लेग इन द एयर. तो जो एंट है वो पानी में जब गिर जाती है तो वो घबरा जाती है, पैनिक यानी बहुत घबरा जाती है, और गार्गल यानी कि अपने पैर वो बहुत बाहर पानी में से बाहर निकलने के लिए बहुत ट्राई करती है, और वो चिल्लाती है आई कांट स्विम. वो बोलती है हेल्प, आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकती, मुझे तैरना नहीं आता है. ही क्राइड, वो चिल्लाती है जोर से. लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय. उस वहाँ से वही टाइम पे वहाँ से एक डव है ना फ्लाइंग करते हुए जा रहा होता है. एंड शी सो दैट द टाइनी एंट वॉज ड्राउनिंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री. तो वो देखता है कि एक एंट, छोटी सी टाइनी एंट जो होती है वो पानी में वो डूब रही होती है, तो वो उसको बचाने का ट्राई करता है. वो ट्री से नज़दीक से उड़ रहा होता है, ट्री के नज़दीक से, तो वो उसको बचाने के लिए जल्दी से ट्राई कर रहा है. और आप यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर में, सी पुल्ड ऑफ अ लीफ. वो एक लीफ उसकी बीक में, देखो लीफ लेके आता है,
लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंड, और वो एंड के पास लेके जाता है. हियर यू आर शी कूड एंड फ्लू अवे. फिर वो बाद में एंड जो होती है वो लीफ के ऊपर चढ़ जाती है और फिर डव जो होता है वो उसको बोलता है कि देखो एंड हियर यू आर, और फिर वो जो लीफ होता है उसको अपने बीक में वापस लेके वो फ्लाई करके चला जाता है, तो एंड बच जाती है.